नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राजा की, एक ऐसे सम्राट की जो कभी भी हारा ही नहीं, मतलब उसने जितने युद्ध लड़े वो कभी नहीं हारा, चाहे वो पहला युद्ध हो, दूसरा युद्ध हो, तीसरा युद्ध हो, कोई युद्ध हारा ही नहीं। और उस शासक को पढ़ते समय एक लाइन हमें याद आती है जो कि एक गाने से रिलेट करती है, एक सॉन्ग से रिलेट करती है। गाना कुछ इस प्रकार से है कि जब मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। मतलब उसको पढ़ते समय ये लगता है कि एक युद्ध जीता, वापस आया, कहता है फिर युद्ध लड़ो, मतलब मौत की तो परवाह है ही नहीं। तो मौत का जब अंत ही नहीं है तो मौत से डरना क्यों, युद्ध पे युद्ध लड़ता जाता है। और ये बहुत बड़ी खासियत है कि वो कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारता है। और उसका नाम होता है, उस शासक का नाम है भारतीय सम्राट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो होता है उसे भारत में नेपोलियन भी बोला जाता है। और जितने टाइम तक ये राजा रहा, जितने टाइम तक ये सम्राट रहा, उस टाइम तक 24 युद्ध लड़े, जिसमें 12 उत्तर भारत में और 12 साउथ इंडिया में लड़े गए थे। और इन 24 में से कभी भी नहीं हारा। तो देखो ये किस कदम में लड़े गए थे। पहले तो वो उत्तर भारत की विजय के लिए 3 राज्यों को जीतता है, और 3 राज्यों को जीतने के बाद सीधा साउथ की ओर रुख अपना करता है। और साउथ की ओर जब रुख करता है तो एक के बाद एक 12 स्टेट को हराता है। और फिर इसके बाद वापस आता है, कहता है कि मजा नहीं आ रहा, हमें युद्ध और करना है। तो आर्यावर्त की द्वितीय विजय, आर्यावर्त की जो पहली विजय थी उसमें 3 राज्यों को जीतता है, उसमें 3 राज्यों को जीतता है। और आर्यावर्त की द्वितीय विजय के लिए जो निकलता है तो एक के बाद एक 9 स्टेट को हराता है। और इन 9 स्टेट को जब हराता है तो आर्यावर्त में भी वो 12 स्टेट हो जाते हैं जिसको वो हराता है। तो इस प्रकार से इसने टोटल 24 युद्ध लड़े, लेकिन अपने समय काल में कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। और ये अपने समय का एक ऐसा राजा था जो कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। इसके अलावा आप कोई भी राजा पढ़ लो, कभी ना कभी युद्ध में पराजित जरूर होता है, लेकिन ये कभी भी पराजित नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।